Now try to understand about mechanism of hearing. सुनाई कैसे देता है? सुन रहा है ना तू? Right? तो कैसे सुनाई देता है? Try to understand mechanism of hearing. देखो, जो भी sound produce होता है, the sound waves are received by pinna, then transmitted from external auditory meatus, and these sound waves stuck on the tympanic membrane. जैसे ही टिम्पानिक मेम्ब्रेन पे ये साउंड वेव्स स्टक होते हैं, टिम्पानिक मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम. जैसे मंदिर में गोंग होती है, गोंग, घंटा घंटा घंटी, टिंग टिंग टिंग, राइट, टंग, ये जो वेव्स होते हैं ना, वाइब्रेशंस. आपने देखा होगा लैब में ट्यूनिंग फोर्क है ना, फिजिक्स में ट्यूनिंग फोर्क, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं. तो वैसे ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होती है आफ्टर रिसीविंग दिस साउंड्स. एज सून एज ईयर ड्रम और टिम्पानिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स, दीज वाइब्रेशंस आर रिसीव्ड बाय ईयर ऑसिकल्स एंड दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेलियस टू इनकस टू स्टेप्स. ये बोन्स में से ये जा रहे वाइब्रेशंस. नाउ दीज स्टेप्स ओपन्स एज अ ओवल विंडो इन दिस कॉकलिया, कॉकलिया के अंदर जा रहे आप. Now these waves are transmitted into inner ear. मैंने बोला आपको बच्चों, inner ear is completely filled with a fluid called as endolymph. Now these waves are transmitted into endolymph. As soon as these waves passes through endolymph into cochlea, cochlea में गए अब ये waves. Ripple is induced. Ripple is induced in this basilar membrane. जैसे wave आ गई, wave, fluid की wave, वैसे ये basilar membrane stimulate हो गई. Basilar membrane के cells, auditory receptors stimulate होते हैं. Auditory receptors के ऊपर है cilia, बोला मैंने sterocilia, hairy projections. ये स्टेरोसिलिया पहले ऐसे थे, जैसे ही वो रिसेप्टर आता है तो स्टेरोसिलिया इरेक्ट होते हैं. स्टेरोसिलिया इरेक्ट होते हैं, इट प्रेस्ड, स्टेरोसिलिया गेट प्रेस्ड अगेंस्ट द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. टेक्टोरियल, ये नीचे स्टेरोसिलिया, ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. जैसे ही वेव्स आ गए यहाँ पे, ये ऑर्गन ऑफ पार्टी बेसिलर मेम्ब्रेन को रिपल मिल गया, स्टिमुलस मिल गया, तो ये स्टेरोसिलिया ऐसे इरेक्ट होते हैं. इट प्रेस्ड Again, against the tectorial membrane. जैसे यहाँ प्रेस होगी, वैसे इधर आगे यहाँ पे ये टच हो जाएगी और ये नर्व जा रही है, नर्व, ऑडिटरी नर्व. Now the stimulus is given to this auditory nerve. Auditory nerve carry that impulse into brain, different auditory areas of the brain, and where the impulse is received, signal is received and the sound is perceived. तो हमने क्या सुना है? सुनने का काम करते हैं कान, सुनाई देना, लेकिन क्या सुना है वो समझ में आता है ब्रेन के अलग अलग हिस्से में, ऑन द ऑडिटरी एरिया ऑफ द ब्रेन. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. यहां पे ये चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा कंप्लीट होता है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बच्चों, काफी सारे एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर्स के ऊपर पूछे जा सकते हैं. बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी फंक्शंस है, इसीलिए थोड़ा सा एडिशनल पार्ट भी आपको करना पड़ेगा. स्टेट बोर्ड की बुक भी आप रीड करते हो तो दैट इज आल्सो इनफ फॉर गेटिंग एडिक्वेट नॉलेज इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इसमें असाइनमेंट ऐसे है कि आप पूरा ह्यूमन ईयर का डायग्राम स्केच करना है, दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉकलिया का डायग्राम स्केच करो, आपको ये वेस्टिबुलर एपरेटस पूरा समझने के लिए फिर स्टेट बोर्ड की बुक में जाना पड़ेगा. तो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर दिया है, आपको समझ में आएगा, राइट. अगर ये पूरा वीडियो, पूरा सीरीज आपको समझ में आता है तो प्लीज ये वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करना. थैंक यू.